सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भजे व्रजैकनन्दनम् समस्त पाप खण्डनम् सुभक्त चित्तरंजनम् सदैव नन्द नन्दनम् सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम् सुनाद वेणुहस्तकम् अनंगरंग सागरम् नमामि कृष्णनारायणम्। विराजमान सभी भक्तजनों के अंतर्यामी को वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। संकीर्तन करेंगे राधा। राधा 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 राधा।
श्री युग पुरुष सद्गुरुदेव भगवान की जय।
सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान की पावन सनिधि, उनकी लीला स्थली श्री वृंदावन धाम और वात्सल्य ग्राम का ये आंगन जो बच्चियों के लिए समर्पित है, जहां आप विराजमान हो और सौभाग्य है ये 2013 की ये संध्या है और हम नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से अस्तित्व में अगर आप देखोगे तो आना और जाना, प्रकट होना और अंतर, ये अनंत प्रवाह है। हमने समय में बांधा, काल में बांधा, कैलेंडर की अवधारणा, काल की अवधारणा, समय की अवधारणा, लेकिन अगर आप अस्तित्व का दर्शन करोगे तो वो अनंत है। अगर हमें कुछ अंत होता दिखाई दे रहा है, वो अंत नहीं है, उसके बाद अनंत है। आज हम कह रहे हैं कि 2013 की ये संध्या की आखिरी संध्या है, आखिरी प्रभात होगा 2014, लेकिन अगर आप एक जागृत व्यक्ति के माध्यम से देखोगे तो आप देखोगे कि ये अनंत प्रवाह है, यहां कुछ भी अंत नहीं। अभी मिटता हुआ जो दिख रहा है वो मिटता हुआ दिख रहा है, वो मिटता नहीं है। इसलिए हमने ईश्वरीय सत्ता को, अस्तित्व को शाश्वत कहा है, जो हमेशा है, पहले भी था। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यद् सद् सद् परम् पश्चादहम् यदे तच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम् रिते अर्थम् यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत् चात्मनि तद् विद्यादात्मनो माया यथाभासो यथा। पहले भी, अब भी और बाद में भी, कौन है? जगत वो है जो अभी दिख रहा है और फिर नहीं रहेगा, लेकिन जगत पिता की सत्ता वो है जो पहले भी था, अब भी है और बाद में भी। इसलिए बाबा नानक ने कहा, है भी सच होसी भी सच, अभी भी है, पहले भी था, आने वाले जिसको हम कल कहते हैं तब भी रहेगा। एक ही है सत्ता जो हमेशा है, जो लगातार है, जो शाश्वत है। अगर मनुष्य के स्तर पर हम खड़े होकर देखेंगे, मन के स्तर पर, तो हम देखते हैं मिलता हुआ, खोता हुआ, पाते हुए। आकलन करिए व्यवहारिक दृष्टि से, आपके इस वर्ष का पूरा आकलन कीजिए। आज रात को जब शैया पे लेटोगे तो देखो 2013 आपका कैसे बीता। व्यवहारिक पक्ष है ये आपका। निश्चित रूप से जिस समय की धारणा में हमने पूरी व्यवस्था को बांधा है, उसके पलों की कीमत है। लोग कहते हैं कि अन्न का कण और साधु का क्षण बहुत कीमती होता है। तो साधु मतलब जिसने वेश धारण किया नहीं, जो जागृत है, जो सजग चेतना है, उसके लिए एक क्षण, एक पल, उस पल में, उस क्षण में आपका चिंतन क्या है? उस चिंतन में शुचिता, उसमें भव्यता, उस चिंतन में दिव्यता, उसमें पर दुख कातरता, उसमें किसी के लिए करने की व्याकुलता, उसमें अपने कल्याण की जिज्ञासी वृत्ति और उसके लिए प्रयत्न, उसके लिए पुरुषार्थ, उसके लिए साधना जरूरी है। समवेद गुरुकुलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल वृंदावन के पावन धाम में बसा
आपकी बेटियों के लिए एक आवासीय स्कूल जो अपने आंगन में समेटे है हर वो सुविधा जो और कहीं नहीं। यहाँ विश्वास है, यहाँ लगन है, यहाँ एकता है, यहाँ उद्देश्य है, यहाँ हौसला है, यहाँ शक्ति है। यहाँ प्रेम है, यहाँ अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा है तो यहाँ संस्कृति का संस्कार भी है। यहाँ वो सब कुछ है जो नन्हे पुष्पों को खिलने का अवसर देता है। पूज्य दीदी माँ साध्वी रितंभरा जी के सानिध्य में संचालित ये है समवेद गुरुकुलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पता वात्सल्य ग्राम मथुरा वृंदावन मार्ग वृंदावन। फोन 09358325927 09412777153। जल्दी करें, स्थान सीमित। बहुत भीषण त्रासदी है, भीषण दुख की वेला है। इसमें हम अपनों के साथ, अपनेपन के साथ जब खड़े होते हैं तो चलने की उम्मीद जगती है और जिंदगी आशा की किरण दिखाती है। उत्तराखंड में 6 स्वावलंबन केंद्र और 2 वात्सल्य केंद्रों की स्थापना हो भी चुकी है, जहां 500 से ज्यादा बहने, बेटियां और नन्हे बच्चे जिंदगी के खोए सिरे तलाश कर अपने जीवन की माला में खुशियों का एक एक मोती पिरोकर इस जिंदगी को पूरा करने का साहस जुटा रहे हैं। परम शक्तिपीठ के मार्गदर्शन में बहने व्यावसायिक शिक्षा, सिलाई कढ़ाई आदि सीखकर अपने जीवन के सुरों को सम्मान से मिले मेहनताने से रफू कर जिंदगी की चादर को फिर से नया बनाने के प्रयास का प्रण ले चुकी है। हम चाहते हैं इनको और बल मिले, मिल करके हम इस समस्या को ठीक कर सकें। मौत से जीत कर सपनों की उड़ान भरते इन खिलाड़ियों को आप भी सवारेंगे ना?